नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बहुत से लोगों ने पूछा है, प्रत्यक्ष रूप से भी, ईमेल से भी, कि क्या आरती करना घर में जरूरी है। दोस्तों, जितने भी नियम हमें महर्षियों ने दिए हैं, साधु संत महात्माओं ने दिए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई हमारे भले का हाथ भी रहा है, हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट का हाथ भी रहा है, और साथ में स्पिरिचुअल कैसे ग्रोथ हो उसका हाथ भी रहा है। जब हम आरती करते हैं अपने इष्ट देवता की, जैसे मेरे इष्ट महाकाली जी हैं, मां दुर्गा हैं, तो मैं आरती करता हूं। जैसे मैं आरती करूंगा, ऐसे आरती लिया, जैसे मैं दिए को अब करूंगा, और जैसे आरती करेंगे ओम का आकार बनना चाहिए आरती में, जैसे ओम, और इस हाथ से घंटी बजाऊंगा। जैसे राइट हैंड से आरती होगी, लेफ्ट हैंड से घंटी बजेगी, तो मेरे सभी चक्राज में एक झुनझुनाहट होगी, वाइब्रेशन होगी। राइट से घंटी बजेगी, लेफ्ट ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, लेफ्ट से बजेगी घंटी, राइट से होगी। जैसे राइट एक्सरसाइज कर रहा है लेफ्ट को होगा, लेफ्ट कर रहा हो राइट को होगा। और जब हम आरती करते करते अपने इष्ट देव की आंखों में देखते हैं, तो एक त्राटक हो जाता है। जैसे ही उस इष्ट के साथ आंख मिलती है, तो हमारा जो सहस्रदल चक्कर है, सातवां चक्कर है, वो भी एक्टिवेट होता है। उसमें अनेकों प्रकार के रस निकलते हैं। वो ऐसे रस जब हम मेडिटेशन में होते हैं तब भी निकलते हैं, हम प्रसन्न अवस्था में होते हैं तो कुछ निकलते हैं, संकीर्तन में होते हैं तो निकलते हैं। हम एक नए व्यक्ति के रूप में उभर आते हैं, नई स्थिति में पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे संकीर्तन में जाते हो, वहाँ भगवान का भजन हो रहा है, संगीत हो रहा है, तो आप क्लैपिंग करते हो, तो क्लैपिंग का भी सेम अर्थ है। आप शैने बजाते हो, आप घंटा बजाते हो, आप चिमटा बजाते हो, और जब संगीत में आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो, आप समूह में होते हो, तो भी सेम पोजीशन होती है। आप उस भगवान के चरणों में लगे जरूर, जिस स्थिति में भी लगते हो, आप मंत्र जाप करते करते लगें, आप संकीर्तन करते करते लगें, आप घंटी बजाते बजाते लगें, आप भगवान के भजन गाते गाते लगे। आपने देखा होगा, जब भी आप कभी माँ के जागरण में होते हो, भजन संध्या पे होते हो, तो कोई भी अच्छे भजन गायक आते हैं तो आप एकदम उनके साथ हो जाते हैं, आप बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार आप अगर अंतर्मुखी होकर ध्यान करते हैं तो भी भूल जाते हैं। अगर आप रेगुलर रूप से घर में आरती करते हो, घर में शंख ध्वनि करते हो, घर में घंटी का वादन करते हो, तो आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आरती में जो कैंपर जलाने की परंपरा है,
कपूर जलाने की परंपरा है वो इसी का एक हिस्सा है। आरती में जब आप कपूर जलाते हैं तो तब भी आपके घर की सारी नेगेटिविटी नष्ट हो जाती है। इसी तरह जो तिलक लगाते हैं उसका कोई अपना महत्व है। आपको उससे जो होता है वो करें, और जो हमें गुरु लोगों ने सिखाया है, महापुरुषों ने सिखाया है, कभी कभी साइंस को बाद में समझ आती है तो हम उसको करने की कोशिश करें। आप माने ना, जानने की कोशिश करें। जब आप जानने लगोगे आपको अलौकिक आनंद आने लगेगा, आप रूहानियत के तालाब में डुबकी लगाने लगोगे तो निश्चित रूप से आप वापस नहीं आओगे। भगवान करे आप आनंद में रहें, सुखी रहें, अच्छे रहें।